हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं विज्ञान का फुल सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, नोट यहाँ पर दिया हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न एक दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर के एक नंबर आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कटाई, निराई, भंडारण, फटकना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निराई, 12 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, इसमें हाइड्रा में प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, कायांतरण द्वारा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा, 8 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया हुआ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, PVC, पॉलीथीन, बैकेलाइट, पॉलिएस्टर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकेलाइट, 7 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया हुआ है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। गुरुत्व बल का, चुंबकीय बल का, असंपर्क बल का, पेशीय बल का। तो दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशीय बल का, 10 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिया हुआ पहला, सूर्य के सबसे समीप का ग्रह रिक्त स्थान है, तो इसका हो जाएगा बुध। दूसरा दिया हुआ है, हैजा रिक्त स्थान के द्वारा होने वाला रोग है, तो इसका हो जाएगा विब्रियो कॉलेरा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम रिक्त स्थान कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किडवन। चौथा दिया हुआ है, इसमें धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर रिक्त स्थान गैस बनाती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, पहला नंबर, स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। दूसरा दिया हुआ है, तारामंडल किसे कहते हैं, कोई 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तीसरा दिया हुआ है, कोल तार के कोई 3 उपयोग लिखिए। चौथा दिया हुआ है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। 5वां दिया हुआ है, जराभुज जंतु किससे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। 6ठा दिया हुआ है, उर्वरक तथा खाद में 3 अंतर लिखिए। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर दिया हुआ है, लघु उत्तरी प्रश्न। पहला दिया हुआ है, इसमें सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। दूसरा दिया हुआ है, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, व्याख्या कीजिए। तीसरा दिया हुआ है, समझाइए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं, डेगबी के अत्ते, विद्युत प्लग, स्विच। 5वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन का कारण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई समझाइए। अथवा में दिया हुआ है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखाचित्र बनाएगी। दोस्तों, 2-2 क्वेश्चन में से आपको 1-1 क्वेश्चन का आंसर देना है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, यवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को की सूची बनाइए। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तड़िश से अपनी सुरक्षा के कोई 5 उपाय लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। 9वां का दिया हुआ पहला नंबर, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियों से क्या आप क्या समझते हैं। दूसरा दिया हुआ, दोलन आवृत्ति किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ है, ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है, ये वर्णन कीजिए। दूसरा दिया हुआ है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका वर्तकाल ज्ञात कीजिए। 10वें का पहला दिया हुआ है, कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा दूसरा दिया हुआ है,
कैलाइडोस्कोप का एक उपयोग लिखिए। अथवा में दिया हुआ मानव नेत्र का रामांकित रेखाचित्र बनाइए। दूसरा दिया हुआ परावर्तन के नियम लिखिए। फिर इसके बाद दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कि आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा दूसरा दिया हुआ है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अथवा में दिया हुआ है धातु और अधातु में निम्नलिखित गुणों के आधार पर अंतर बताइए। दिखावट, कठोरता, घात, वर्धनीयता, तन्यता, उष्मा तथा विद्युत के चालक। दूसरा दिया हुआ है एल्यूमिनियम की पत्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। 12वें का पहला दिया हुआ है पेयजल क्या होता है, जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। दूसरा दिया हुआ जल प्रदूषण के कोई तो कारण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा दिया हुआ है दो गैसों के नाम लिखिए जो पौधा घर प्रभाव में योगदान करती हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।